हिंदी न्यूज हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी न्यूज हिमाचल प्रदेश में हिमाचल से संबंधित समाचार दिखाए जाते हैं। वीडियो के अंत में एक अच्छी खबर भारत से जुड़ी देखना ना भूलें। यह एक स्पेशल रिपोर्ट होगी जिससे हम सब भारतीयों को गर्व महसूस होगा। हिमाचल सरकार ने भविष्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए अगले 8 महीनों का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में 3 कैटेगरी में कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। पहली कैटेगरी में जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे, दूसरी कैटेगरी में कोरोना लक्षणों वाले लोग, तीसरी कैटेगरी में कोरोना मरीजों के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। 1000 वेंटिलेटर और 1500 आईसीयू तैयार करने की व्यवस्था पर तेजी से काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी की अब तक की रिपोर्ट। निगरानी में 8301 लोग हैं, क्वारंटाइन में 5496 लोग हैं, सैंपल टेस्ट 3700 लोग हैं, कोरोना नेगेटिव 3510 लोग हैं, कोरोना पॉजिटिव 39 लोग हैं, कोरोना पॉजिटिव में 11 लोग ठीक हो चुके हैं, कोरोना से अब तक एक की मौत भी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के उपचार के लिए होम्योपैथिक दवाइयां काम आ रही हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव में हिमाचल में भी आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथिक दवा की मांग बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार प्रवासी मजदूरों तक हर जरूरी सामान पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू के उल्लंघन पर पिछले 24 घंटों में 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिला में आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं ताकि कोरोना वायरस को राज्य के अन्य हिस्सों में फैलने से रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के चलते हर घर नल योजना के अंतर्गत 16,68,523 परिवारों को नल के नए कनेक्शन मिलेंगे। यह कार्य अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में किसी के घर में पनाह देने पर केस दर्ज होगा। मंडी जिला के एक युवक को बिलासपुर जिला में आना महंगा पड़ गया। जिला बिलासपुर में अब तक 172 कोरोना सैंपल में से 161 नेगेटिव हो चुके हैं, बाकी बचे 11 लोगों की रिपोर्ट आएगी। हिमाचल के जिला मंडी से अब फोन से लोगों की हर बीमारी का इलाज होगा। मंडी में टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है। व्हाट्सएप पर भी परामर्श आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहले हमें एक सच्चाई को मानना पड़ेगा कि अगर भारत में तबलीगी जमात से जुड़े लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते तो शायद भारत में 20,000 तक कोरोना वायरस पॉजिटिव के केस ना होते। हम सब भारतीयों को गर्व महसूस होगा। कोरोना की इस जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 68 अंकों के साथ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लीडर घोषित किया गया है। महाशक्ति अमेरिका का ट्रंप इस रेस में 8वें स्थान पर है। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। हिंदी न्यूज हिमाचल प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।